रेवाड़ी में एक बार फिर से सीवर में सफाई करने के लिए उतरे एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम कर ठेकेदार और जे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुरुग्राम से अगवा की गई दसवीं की छात्रा को पुलिस ने मथुरा से बरामद किया। दो महिला एक युवक ने छात्रा को अगवा किया। गुरुग्राम पुलिस की माने तो गांव के ही रहने वाले एक युवक और दो महिलाओं ने छात्रा को अपने साथ वो बहला फुसला कर ले गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर छात्रा को बरामद कर लिया। गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में एक विधवा महिला अपने देवर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा रही है। महिला का कहना है कि पति की मौत के बाद देवर उसे लगातार परेशान करता रहा। गुरुग्राम के मतका गांव के पास नहर में मिला एक युवक का शव। मंगलवार को सैलरी लेने के लिए गया था, तब से लापता था। गाजियाबाद के मुरादनगर हाईवे पर राजस्थान रोडवेज की बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में बस ड्राइवर की मौत, 20 यात्री जख्मी। घायल बस यात्रियों में कई की हालत गंभीर, पुलिस ने बस कंडक्टर को हिरासत में लिया। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर कंडक्टर फरार। दिल्ली के मैरोली में एक रेस्टोरेंट में जमकर चली चाकू, खाना खा रहे दो युवक जख्मी। पुलिस की माने तो आपसी रंजिश हो सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रात 9 बजे के करीब खैरू अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, तभी कुछ युवक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया और फरार। गोहाना में चोरों के हौसले बुलंद। विष्णुनगर के वार्ड नंबर 13 का मामला, जहां चोरों ने देर रात एक बेकरी की दुकान का ताला तोड़ा, लाखों के माल बरामद किया। दिल्ली के रामपुर एसडीएम कोर्ट के सामने बुजुर्ग की लाश मिली, सिर पर तेज धार हथियार से हमला करके हत्या की गई थी। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल प्रबंधकों की बुराड़ी में बैठक हुई, मीटिंग में सरकार के सर्कुलर पर चर्चा की। नोएडा पुलिस ने 8 जनवरी को खादर में मिले शव की गुत्थी को सुलझाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी ने मोबाइल और 5,000 की लूट के लिए हत्या की। राज्य के श्रम मंत्री नायब सिंह ने 500 महिलाओं को बांटी सिलाई मशीन, आधी महिलाओं को नहीं मिली सिलाई मशीन। महिलाओं ने श्रम विभाग पर दलालों से मिलीभगत का आरोप लगाया। बीजेपी ऑफिस का बदला पता, 11 अशोक रोड से 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग हुआ, नए दफ्तर का पीएम ने उद्घाटन किया। पीएनबी घोटाले के बाद एक और घोटाला आया सामने। रोटोमैक कंपनी का मालिक विक्रम कोठारी बैंकों को 3,000 करोड़ की चपत लगाकर गायब। पीएनबी महाघोटाले में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार गुरुकुलनाथ छेत्री ने कहा एलओयू के पैसे बैंक कर्मचारियों में बांटा थे नीरव मोदी। सीबीआई में केस दर्ज कराने से पहले नीरव के भाई ने धमकी दी थी, जो करना है कर लो। मोदी सरकार के मंत्री बापू सुप्रियो ने पाक कलाकारों पर बैन की मांग की है, कहा बॉलीवुड नहीं दे उन्हें काम। वेलकम टू न्यूयॉर्क से राहत फतेह अली खान के गाने को हटाने की मांग की। त्रिपुरा में 59 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म, लेफ्ट को बीजेपी से मिल रही है कड़ी चुनौती। हरियाणा में छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर अनशन पर बैठे दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो अगले 24 घंटे में हरियाणा के तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इनसो का धरना शुरू हो जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने पूर्व सीएम हुड्डा पर कटाक्ष किया। हुड्डा की रथ यात्रा जनक्रांति नहीं, भ्रांति यात्रा है। हुड्डा न तो प्रदेश अध्यक्ष हैं और न ही विधायक दल के नेता। ओपी धनखड़ ने कहा कि हुड्डा भ्रम फैला रहे हैं कि वो कांग्रेस के सब कुछ हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हैं और विधायक दल की नेता किरण चौधरी। रोहतक में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने अभय चौटाला पर कटाक्ष किया। काले झंडे दिखाने पर अभय चौटाले पर निशाना साधा, कहा वो काले झंडे दिखाने नहीं आए। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम की अपेक्षा पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 200 करोड़ फरीदाबाद को गुरुग्राम ने दिया है, अगर नहीं देता तो फरीदाबाद वाले भूखे मर जाते। पुलिस कप्तान ने नल्हड़ पुलिस चौकी के चौकी प्रभारी और कई स्टाफ को लाइन हाजिर किया। जांच में पुलिस चौकी में मिली थी कई अनियमितताएं।